गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब। सुबह के बजे गाइस 6:30 और हम लोग वॉक कर रहे हैं मॉर्निंग, और बहुत ही अच्छा लग रहा है और मौसम बहुत अच्छा है। इधर फ्रेंड वॉक कर रहे हैं, तो बस वॉक कर लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे घर जाके, क्योंकि गर्मी लगती है ना, मेहनत करना है। तो चलिए अब हम करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। देखिए गाइस, बहुत पसीना वगैरह आ गया हुआ, यह देखिए टप टप चो रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह किया, तो फटाफट और करते हैं फिर घर जाएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए। ये देखिए मेहनत है। जैसे कि वॉक करने के बाद मैं घर आई, घर आने के बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद गाइस मुझे काम था, कोई बहुत ज़रूरी बैंक वगैरह जाना था, फिर मैं वहाँ पर गई, फिर उसके बाद मैं घर आई, खाना खुना बनाया, फिर उसके बाद लंच किया अभी दोपहर के बजे 2, और सुबह हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह किया। अभी भी मेरे पैर वगैरह दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैंने एक ड्रेस वगैरह बुक कराई हुई है, तो मैं रात को लेके आई थी गाइस, मैंने आपको बताया नहीं, मैं अब बता रही हूँ। और मैं आज करने जा रही हूँ शूट और मेकअप, और कौन सा ड्रेस पहनूंगी आप वीडियो पूरा देखोगे तभी पता लगेगा, और आधा देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, और वीडियो पूरा देखना गाइस। और आज मेरा वैसे ही मन नहीं कर रहा था शूट करने का, मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है, मतलब ना ये मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर भी मैं आज शूट करूंगी, क्योंकि यार ये भी हमारा एक काम है, हम इनको इसको करना है, तो बस यही है। और फटाफट मैं तैयार होती हूँ, रेडी होती हूँ, और बस मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ, और थोड़ी थोड़ी मेकअप जब होगा तब भी आपको दिखाऊंगी। और जैसे गाइस, जहाँ से मैंने ये ड्रेस वगैरह लिया है, मैं उनका एड्रेस वगैरह आपको एंड में दूंगी, आप पूरा वीडियो देखना और एंड में इनका एड्रेस लेना। और आप बस भाई, जैसे कि मैं मेकअप करने लगी हूँ, मैं पहले तो आपको पता ही है मैं पिक्सर लगाती हूँ, मेकअप पिक्सर, कि इससे मेकअप स्टे होता है, तो पूरा अपने फेस पर लगाऊंगी पहले। ये देखिए ऐसे करके सारा फेस पर आपने मर्जी कर लेना है, ठीक है, ऐसे करके लगा लेना है, जहां जहां अपने बेस अप्लाई करना है वहां वहां आपने ला लेना। सारे अपने अपने तरीके होते गए इस मेकअप करने का, मेरा तरीका ऐसा है, लोगों का तरीका कैसा है, तो चलिए मैं इसको सारा मर्च कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी गाइस। गाइस जैसे कि ये मेरा बेस है, ये मैं लगाऊंगी, जहां जहां मेरा ब्लैक होगा मैं वहां वहां लगाऊंगी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे आपने अप्लाई करना, जहां जहां आपका आईज के नीचे, नोज में, आपके जहां भी ब्लैक होता है ये अप्लाई करना, थोड़ी सी आपने मर्च कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट इसको लगा लूं, मर्च कर लूं, फिर मैं आपसे मिलूंगी। गाइस जैसे कि मैंने बेस लगा लिया, अब मैं लगाने जा रही हूँ, ये देखिए जो मेरा स्किन होगा वैसे ही मैंने लिया है, मेरा लगता है 28 लगता है बेस नंबर, तो आपकी मर्जी अपने कैसे लगाना है क्या नहीं, तो मैं तो ऐसे लगाती हूँ, मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग बेस अप्लाई करती हूँ गाइस। तो चलिए मैं सारा लगा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी गाइस। ये देखिए गाइस, मैंने अपना बेस सारा मर्च कर लिया, अब मैं लगाने लगाई लूज पाउडर, और मैं फटाफट लगा लूँ गाइस, और मैं फटाफट मेकअप कर लेती हूँ गाइस, फिर मैं मिलूंगी, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया, और जब मैं आपको पहले भी आपको मेकअप मैंने दिखाया हुआ है प्लीज, तो मेरे वीडियो को जो आपने नहीं देखा जिसने, तो प्लीज दूसरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मेकअप का मैंने सारा बताया हुआ है, कैसे लगाना क्या नहीं लगाना। तो चलिए गाइस, मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद मिलूंगी, सारा मेकअप कर लेती हूँ। गाइस जैसे कि मैंने मेकअप कर लिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा मैंने मेकअप कितना अच्छा किया हुआ है। अब मैं करने जा रही हूँ हेयर स्टाइल बालों का, क्योंकि ये बाल बिना तो मेकअप कोई काम का नहीं, और ड्रेस बिना भी कोई काम का नहीं, तो रेडी रहना, मैं फटाफट ड्रेस पहनती हूँ और हेयर स्टाइल करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी, वेट करना और वीडियो को पूरा देखना।
और कितनी प्रीटी लग रही है। और मैंने आज ड्रेस लुक किया हुआ है क्रिश्चियन वेडिंग लुक, ये देखिए। और जब क्रिश्चियन वेडिंग मैरिज होता है तो ऐसा लुक होता है। और ये देखिए एयरिंग्स कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो नेकलेस है गाइस, ये देखिए, और कितना प्रीटी लग रही हूँ मैं, जैसे लग रहा है कि मेरी आज मैरिज है। सभी लड़कियों को ये दिन बहुत खास होता है, जो मैरिज वाला दिन है वो बहुत खास होता है। ऑलरेडी मेरी मैरिज हो चुकी है, दोबारा फिर मैं एंजॉय कर रही हूँ मैरिज की। और ये देखिए मैं आपको घूम के दिखाती हूँ, ये देखिए। और मेरा जूड़ा देखिए गाइस कितना बढ़िया, ये मैंने खुद बनाया है, ये देखिए, तो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए अच्छी लग रही हो ना ये ड्रेस में। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो मैं अपने आप को बहुत सुंदर लग रही हूँ, जैसे लग रहा है कि मेरी खुद की मैरिज है अभी। तो जस्ट मैं जा रही हूँ चर्च में और मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे, ये देखिए। और ये रोज बहुत ही अच्छा है, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ये रोज तो, बहुत ही ज्यादा। गाइस जैसे कि अब हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे फोटोशूट कराने के लिए, और यहाँ भी मैंने काफी ज्यादा फोटोशूट किया और रील्स भी बनाए, और नीचे जाते लोगों का रिएक्शन भी देखते, लोग ने बोलना कि ये दोबारा शादी करा रही है, और बस देखते। और मुझे बहुत ऑड सा भी लग रहा है कि मैं ऐसे रेडी होके जा रही हूँ, और अच्छा भी लग रहा है कि मैं प्रीटी लग रही हूँ और बहुत सुंदर लग रही हूँ, जैसे लग रहा है कि मैं दोबारा मैरिज कराने लगी हूँ। तो चलिए नीचे जाके आपसे मिलते हैं। ये देखिए गाइस मैं लिफ्ट में हूँ, ऐसे पकड़ के चुन्नी में, चुन्नी कवर किया हुआ, मैं लोग के देखेंगे। ये देखिए, तो चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए गाइस मम्मी यहाँ पे हैं, और बारिश होने लग पड़ी है गाइस, ये देखिए, और पोपट हो गया, वो शूट कैसे करना है पता नहीं, ऐसे ये देखिए बारिश होने लग पड़ी है, बारिश काफी हो गई। ये देखिए गाइस तेज हो रही है, आपको दिखते नहीं रही होगी, वैसे तेज होने लग पड़ी है, पता नहीं कब रुकेगी, कैसे होगा काम, देखते हैं फिर। हम तो नीचे आ ही गए थे, एक्टिवा स्टार्ट कर ही ली थी हमने, मगर पंगा ही पड़ गया। जैसे कि हम फिर आ गए हुए हैं यहाँ पर शूट करने के लिए, अभी भी बहुत ज्यादा हवा चल रही है, आपको दिख रहा होगा, ये मेरे बाल बुल तो सब उड़ रहे हैं, और क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, आज तो पोपट ही हो गया, क्योंकि इतना शूट नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। देखिए क्या करूँ, ऐसे करना पड़ेगा चिल्ली में। तो चलिए शूट करते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे। ये देखिए गाइस यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, ये देखिए मम्मी पोज मार रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए कैसे कैसे, और अभी हम करेंगे फोटो शूट, ये देखिए। और काफ़ी अच्छा वेदर भी हो चुका है, ये देखिए कितने अच्छे बादल हैं, ये देखिए, और काफ़ी सारे फोटो भी खींच लिए और रील भी बना ली हमने। अभी मम्मी उधर जाएंगे और अभी हम रील बनाएंगे उधर। गाइस जैसे कि अब हम घर जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा थक भी गई, और हवा इतना चल रहा है ना, बाल का ऐसी की तैसी हो गया। और ये देखिए, और बहुत ही सुंदर लग रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर कुणाल है, ये देखिए फूल पकड़ के बेचारे, फोटो खींची इतनी ज़्यादा, फोटो खींची पागल हो गया मैं। हाँ, और यार हवा भी बहुत चल रही है ना, उस करके शूट इतना हो नहीं पाया। बिल्कुल तो चलिए घंटे से भी ज़्यादा लग। हाँ तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं, फिर आपको मिलेंगे। तो ये देखिए गाइस मम्मी चल रहे हैं, एक्टिवा हमारी आगे खड़ी है, हम वहाँ पे थे काफ़ी पीछे थे हम, तो आगे आगे ऐसे गाइस हमने कितनी दूर खड़ी की, हम ऐसे तुरते वहाँ पे पहुँच गए, देखिए हम कितनी दूर चले गए, एक दो घंटे में, और काफ़ी सारी वीडियो बनाई। अब घर चलते हैं, फिर आप वहाँ पे आके मिलते हैं। ये देखिए गाइस कहाँ चढ़ के फोटो शूट हो रहा है, ये देखिए गाड़ी के ऊपर खड़े हैं मम्मी, ये देखिए अभी करते हैं फोटो शूट, ऐसे अभी करेंगे और तीन चार फोटो खींचेंगे उसके बाद से मिलते हैं। ये देखिए गाइस कहाँ फिर से हम, गाड़ी दूसरी गाड़ी होगी या चेंज होगी गाड़ी, और इससे आगे फोटो खींचा रहे हैं, ये देखिए। जैसे कि हम
आ गए हुए हैं और शूट करके, और बहुत मजा आया और बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि गाइस और हवा चलने लगी और उसके करके भी थोड़ी सी मेरा जो माइंड था ना वो डाउन हो गया, क्योंकि मुझे बहुत था कि मैं बहुत ज्यादा शूट करूंगी। हवा चलने लगी, पहले बारिश होने लगी, पोपट हो गया, और मैं काफी मेहनत कर रही हूँ गाइस, प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करना। और ये देखिए गाइस, और कितनी अच्छी लग रही हूँ और बहुत ही प्रीटी लग रही हूँ मैं। और बस यही कहना चाहती हूँ, ये जो मैंने ड्रेस लिया गाइस, ये जो मैंने क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस लिया हुआ, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस दूंगी, आप प्लीज वहां पर जाके चेक करना और वहां पर जरूर जाना। वहां पर ये जो जलंधर के लोग हैं, अब तो शादी का सीजन है, करवा चौथ आ रहे, आप लोग जाइए वहां पर जाके लेइए, बुकिंग कराइए, और बहुत ही अच्छा रेट में आपको देंगे और हर एक चीज अच्छा है उनका। और ये देखिए आपको खुद दिख रहा होगा, ये जो मेरा गाउन है और क्रिश्चियन वेडिंग गाउन इतना अच्छा है, आपको भी पता ही है। और ये मैंने मेकअप मूकअप सब अपने आप ही किया हुआ है, ये नहीं कि मैंने बाहर से कराया, ये कुछ नहीं है, खुद हेयर स्टाइल वगैरह खुद ये मैंने किया हुआ है। तो प्लीज आप भी अपने घर पर आप अपने आप तैयार हो सकते हो, और प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा, और एक रेड सी बटन है यार, उसको क्लिक कर दीजिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और बस यही कहना चाहती हूँ, और बाय गाइस, क्योंकि काफी टाइम हो गया, अब 7:30 हो गए और हमने अब चेंज भी मैंने करना, मैं थक भी गई है। चलो गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बाय।